आज है 2 अक्टूबर, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। आइए देखते हैं प्रमुख तथ्य। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन से परिचय। भारत के तीसरे और अस्थायी तौर पर दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश के बेहद निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। शास्त्री जी के पिता शारदा के क्लर्क के पद पर आसीन हुए। लाल बहादुर की शिक्षा हरिश्चंद्र उच्च विद्यालय और काशी विद्यापीठ में हुई और यहीं स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात वह भारत सेवक संघ से जुड़ गए। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। इनकी प्रतिभा और निष्ठा को देखते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात कांग्रेस पार्टी ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री पद का उत्तरदायी सौंप दिया। लाल बहादुर शास्त्री का राजनीतिक योगदान। लाल बहादुर शास्त्री के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। लगभग सभी आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद गांधी जी के साथ स्वतंत्रता के मार्ग पर पूर्ण रूप से अग्रसर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी की वजह से कई बार जेल भी जाना पड़ा। राजनीतिक क्षेत्र में सबसे अधिक गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित हुए। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलने के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। साथ ही गोविंद बल्लभ पंत के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए वह प्रहरी एवं यातायात मंत्री भी बने। अपने कार्यकाल में उन्होंने पहली बार किसी महिला को समूह कंडक्टर के पद पर नियुक्त किया। इसके अलावा भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लाठी की जगह पानी के बौछारा का प्रयोग भी लाल बहादुर शास्त्री ने ही प्रारंभ कराया। इसके बाद 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने और फिर यहीं से उनका कद निरंतर बढ़ता गया। अपने साफ और निष्पक्ष आचरण के लिए उन्हें सन 1963 में कांग्रेस संसदीय की ओर से भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया। 26 जनवरी 1965 को लाल बहादुर शास्त्री ने देश के जवानों और किसानों को अपने कर्म और निष्ठा के प्रति सजग करने और देश को खाद्य संबंधी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसका अनुसरण स्वतंत्र भारत आज भी करता है। लाल बहादुर शास्त्री को दिए गए सम्मान। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और देशभक्ति के लिए उन्हें वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री का निधन। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति यूसुफ खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि भारत की आर्थिक समस्याओं को ठीक ढंग से न निपटाने और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने की वजह उनकी काफ़ी आलोचनाएँ हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के विवाद प्रांत पर पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ सख्त और दृढ़ व्यवहार अपनाने के लिए उन्हें काफ़ी लोकप्रियता भी मिली। भले ही उनके राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनकी ईमानदार और देशभक्त छवि पर कोई आंच नहीं आई। आज भी देश उन्हें उनकी सादगी और कर्तव्यता के लिए याद करता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।